अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए। सलमान खान और कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 काफी समय से सुर्खियों में है। मेकर्स आए दिन फिल्म से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करते रहते हैं, लेकिन अफसोस अब कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया गया है। खबरें हैं कि फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शूट करने के लिए टीम 15 दिनों के लिए दिल्ली जाने वाली थी, जब कोविड की तीसरी लहर आ गई और क्रियो का ये प्लान धरा का धरा रह गया। बता दें कि मनीष शर्मा द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में आजमीर खान एक बेहद इम्पोर्टेंट नेगेटिव किरदार में दिखने वाले हैं। इससे पहले भी आजमीर मूवी तड़प में एक सपोर्टिंग रोल निभा चुके हैं। दोस्तों, पिछली दो बार की तरह इस बार भी मूवी में एक्शन भरपूर होगा। सलमान खान काफी सारे एक्शन सीन्स और एक बेहद दिलचस्प बाइक चेजिंग सीन में सभी के होश उड़ाने वाले हैं। इस बार टाइगर और जोया एक काफी डेडली मिशन पर निकले हैं, जिसके लिए उन्हें मल्टीपल शहरों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिल्म को शूट करने के लिए मुंबई के गोरेगांव के SRPF ग्राउंड्स में सेटअप ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन बता दें कि SRPF में सेटअप लगाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि साल 2021 में आए मुंबई साइक्लोन ने यहां पर भारी डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से आदित्य चोपड़ा यहां पर शूट करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन फिर टीम के इंसिस्ट करने पर आदित्य चोपड़ा ने यहाँ पर शूट करने के लिए हामी भरी। दोस्तों, सलमान और शाहरुख खान को मूवी में एक साथ देखने के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। बताते चले कि शाहरुख खान फिल्म में एक बेहद अहम कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं, जिसमें वो एक रॉ ऑफिसर का किरदार निभाते दिखेंगे। वेल, आपको क्या लगता है, क्या हर बार की तरह इस बार भी खान्स की जोड़ी ऑडियंस के दिल जीतने में सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।